please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और अब वक्त है आपके पसंदीदा न्यूज शो पांच के प्रश्न का। इस न्यूज शो में हम सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाते, हम सिर्फ नेताओं की बयानबाजी नहीं सुनाते और नई खबर को छू कर निकल जाते हैं, बल्कि शो में हम सवाल उठाते हैं और जवाबदेही तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास न्यूज शो पांच का प्रश्न। सबसे पहले 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ने पर देवबंद ने उनके इस्लाम से बाहर होने का दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर की तस्वीर को बीजेपी के गिरिराज सिंह ने फर्जी करार दे दिया है। SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ हुए भारत बंद पर BSP प्रमुख मायावती ने बीजेपी पर इस साजिश का आरोप लगाया। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि सीमा पर बहे खून का बदला लिया जाएगा। 5 के प्रश्न की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जन्माष्टमी के मौके पर अभिनेता शाहरुख खान ने अपने बेटे अबराम के साथ दही हांडी फोड़ी और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, लेकिन शाहरुख का मटकी फोड़ना कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को रास नहीं आया और उत्तर प्रदेश में देवबंद के उलेमा उन पर भड़क गए हैं। उलेमाओं ने इसकी वजह से शाहरुख खान के धर्म से खारिज होने का दावा कर दिया है और दोबारा मुसलमान बनने के लिए उन्हें कलमा पढ़ने की नसीहत भी दे दी है। शाहरुख खान अगर दोबारा से अपने आप को इस्लाम में लाना चाहते हैं, हमारा उनसे मशवरा है कि वो तौबा करें अल्लाह से। तौबा करने के बाद इस्लाम में कलमा पढ़ते हुए शरीक हो सकते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उन्होंने जिस तरह का प्रोग्राम किया है वो इस्लाम से खारिज है। इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसी चीज की जाए जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ हो और शिर्किया अमल हो तो उससे इस्लाम से खारिज है। तो सुना आपने किस तरीके से शाहरुख खान की इन तस्वीरों के बाद, उनके बेटे की तस्वीरों के बाद कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शाहरुख खान को जन्माष्टमी मनाने के लिए उनको अपने ही मजहब से बाहर कर दिया है। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी और बीजेपी की तरफ से शाइना इंसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही अबू आजमी साहब, जो आज 5 का प्रश्न में हम पूछ रहे हैं कि क्या कुछ धर्म गुरु मिलकर ये तय कर सकते हैं कि कौन इस्लाम में रहेगा कौन नहीं रहेगा? अबू आजमी साहब, नहीं देखिए, ऐसा है कि शाहरुख खान के बारे में ये सब बोलना बेकार है, सब काम को जाना जरूरी नहीं है कि वो शाहरुख खान फिल्म में काम करते हैं और वो अपनी इमेज जो है हमारी इमेज कैसे आम पब्लिक में बने और एक दिखाने के लिए, एक जो है हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन अगर आपको पूछेगा कोई आलिम से जाकर कि क्या मुसलमान ये काम कर सकता है, देखिए मुसलमान उस धर्म की तारीफ तो कर सकता है, उस धर्म के लिए वहां जाकर फूल हार कर सकता है, लेकिन मुसलमान खुद ये काम करेगा तो इस्लाम में मना है। लेकिन अब इसके लिए इसको कोई बहुत बड़ा बाउंडर खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम गणपति में गणपति पूजा नहीं करते, लेकिन गणपति के जो लोग गणपति करते हैं उनको हम फूलों का हार पहनाते हैं, उनको हम शरबत पिलाते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हम खुद गणपति की पूजा नहीं करते क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें मना है शरीयत से। तो अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, खातिरदारी कर रहे हैं, तो क्या आपको इस्लाम से बेदखल कर देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा इस्लाम में बेदखल। हम इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, हम उनके तो ऐसे मौलानाओं के खिलाफ क्या बोलना चाहेंगे आप, जो हर चीज में कुछ ना कुछ राय रखते हैं? अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो इग्नोर की जानी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, सामाजिक समरसता के लिए जरूरी है। आज मुल्क के हालात ऐसे नहीं कि हम इन चीजों में जाए तबसरा करें। कौन कह रहा है कि शाहरुख खान को मुसलमान, किसको उनको अपना रिश्ता कर रहा है वहाँ पे? क्या शाहरुख खान को किसी मस्जिद का इमाम बनाना है? क्या कोई निकाह पढ़ाने भेजना है क्या उनको? यही तो सवाल है। काम करते हैं करें, वो क्या है बीच में सब बात करना। शाइना एनसी क्या कहना चाहेंगे ऐसे धर्म गुरुओं को? शाइना एनसी मेरे साथ जुड़ी हुई है, देवबंद के मौलाना ने उनको इस्लाम से खारिज कर दिया और कहा कि दोबारा कलमा पढ़िए अगर आपको इस्लाम को अपनाना है तो। देखिए, हम खंडन करते हैं क्योंकि समाज के ठेकेदार जो अपने आप को समझते हैं उनको पहले ये समझना चाहिए कि गोवर्धन कोई धार्मिक फेस्टिवल नहीं है,
बहुत सारे गोविंदा जो पार्टिसिपेट करते हैं वो खुद मुसलमान होते हैं, और रही बात भारत जैसे विशाल देश में गणपति हो, कितने मुसलमान लोग गणपति दर्शन भी करने आते हैं या बिल्कुल में भी रखते हैं, कितने हिंदू हैं जो रोजा भी मनाते हैं, हम जैसे लोग जो हिंदू मुस्लिम जैन हैं, आप हमें क्या नाम देंगे? जब हम कोई भी मजहब को अपनाएं या कोई भी फेस्टिवल में भाग लेते हैं तो क्या आप ऐसे ही फतवा इशू करने वाले हैं? तो मैं मानती हूँ कि ये मुद्दे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मीडिया को भी खंडन करना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ हर एक मजहब और कौम के लोग रहते हैं अपने सोच विचार के साथ, मुझे तो लगता है जैसे कि अबू आजमी साहब बोल रहे हैं, शाइना बोल रही हैं, मुझे तो लगता है कि जो मौलाना इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान आज से नहीं सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं। शाहरुख खान कितने इस्लाम के फॉलोअर हैं, अगर वो कट्टरपंथी राह पर चल के देखना चाहेंगे तो राहुल शाहरुख खान को कोई भी मौलाना मुसलमान कहने से मना करेगा, क्योंकि वो फिल्मों में काम कर रहे हैं। फिल्म में काम करना वैसे ही इस्लाम के खिलाफ जाता है। इसके बावजूद एक मौलाना का बाहर निकल कर आना और ये कहना कि हम शाहरुख खान को बेदखल कर रहे हैं इस्लाम से, क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ रिजवान अहमद साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, ऐसे मौलानाओं के साथ क्या होना चाहिए रिजवान साहब? सुमित जी, सबसे बड़ी समस्या जो इस टाइम मेरा देश हिंदुस्तान भारत फेस कर रहा है विद मुस्लिम, वो ये कर रहा है कि हमारे देश का जो मुसलमान है वो दुनिया में सबसे पक्का सबसे सच्चा मुसलमान हो गया है, दुनिया का नंबर वन मुसलमान भारत का हो गया है, पहली चीज। और ये जो जिनको आप मौलाना बोलते हैं, मुझे बड़ा बड़ा अफसोस होता है, मतलब बहुत गुस्सा आता है जो आप लोग इनको मौलाना बोलते हैं। मौलाना का मतलब होता है मौला, मौला हजरत हुसैन का टाइटल था। ये साहब मजहबी गुंडे हैं, ये जाहिल हैं, और इनसे ये पूछिए कि अगर मैं सुमित अवस्थी जी के पिताजी का सम्मान कर लूंगा तो क्या मेरी वल्दियत खत्म हो जाएगी? क्या मैं शाइना एनसी के दादाजी का या बाबा जी का सम्मान कर लूंगा तो क्या मेरी वल्दियत खत्म हो जाएगी? तो जिस तरह वहां मेरी वल्दियत खत्म नहीं होगी, वैसे हांडी फोड़ने से इस्लाम कैसे खत्म हो गया? बिल्कुल ठीक बात है। अब्दुल आजमी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हांडी फोड़ना पूजा नहीं है, हांडी फोड़ना उस त्यौहार की एक रिवायत है, एक भारतीय संस्कृति है। बिल्कुल ठीक रिजवान साहब, आपने जो सवाल खड़े किए हैं मैं अबू आजमी और शाना एनसी से उनके जवाब लूंगा, लेकिन एक और इसी से जुड़ा एक और मामला मैं चाहूंगा आप तीनों मेरे साथ बने रहिए। जम्मू कश्मीर में ही एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में, बीजेपी के कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रार्थना सभा रखी, फातिहा पढ़ा, और बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने क्योंकि ये गैर इस्लामिक काम किया, वाजपेयी जी के लिए फातिहा पढ़ा, उनको इस्लाम से बेदखल कर दिया गया। उनकी शांति की प्रार्थना कैसे कर ली आप इस्लाम के फॉलोअर होकर, ये कहते हुए मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने इन सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है और इन लोगों को इस्लाम से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। अब मैं ये फिर वही सवाल खड़े कर रहा हूँ, पहले सुनते हैं क्या कहा दाऊदी साहब ने, पहले सुनते हैं। इसीलिए पांच का प्रश्न यही उठता है कि क्या दूसरे धर्म का पर्व मानना या किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना गैर इस्लामिक कैसे है? अबू आजमी साहब आप समझा सकते हैं, हम सबसे ज्यादा इस्लाम को जानते होंगे आप। नहीं नहीं, मैं तो कोई मौलवी नहीं हूँ भाई, मैं तो जानते जानते, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब 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 इंदिरा गांधी जी का डेथ हुई थी, राजीव गांधी की डेथ हुई थी, तो उल्मा भी बैठ के कोई 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 जो है वेद पढ़ रहा था, कोई बाबिल पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, अपने अपने धर्म मुताबिक लोग उनकी श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन इन बातों से ज्यादातर इन सब चीजें लाना नहीं चाहिए, जो लोग लाते हैं वो लोग एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, देखिए वो इस्लाम से खारिज हुए या नहीं हुए, आपको इसको करने की जरूरत क्या, छोड़िए ना इन चीजों को। जो लोग कर रहे हैं राजनीतिक लीडरशिप ऐसे लोगों को मौके पे मौके पर सम्मान देती रही है, उनसे पूछती रही है, उनके पास जाती रही है, और तभी इस तरह के लोग आके बयानबाजी करते हैं। रिजवान साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सुमित जी, जैसे मैं आपको एक पहले उदाहरण दे दूं
कि जब कोई क्षेत्रीय माफिया होता है या गुंडा होता है तो उसको बीच बीच में गुंडागर्दी करनी पड़ती है अपनी मोहल्ले में पहचान बनाने के लिए, अपना वजूद रखने के लिए। इसी तरह ये मजहब के गुंडे हैं और इनको अपनी पहचान बनाने के लिए बीच बीच में ये थोड़ी थोड़ी गुंडागर्दी करते रहते हैं समाज के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। अबू आजमी साहब ने सही बोला कि मजहबी गुंडा मान के इनको आप बिल्कुल इनको बॉयकॉट करना चाहिए और इनको कॉग्निजेंस इनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए। नहीं, पर मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग पॉलिटिकल लीडरशिप में हैं, अबू आजमी साहब जैसे लोग या कोई भी नेता, वो इस तरह के मौलानाओं को वक्त बेवक्त पर सहारा देते हैं। आजमी साहब, मैंने बहुत बार देखा है आपकी लाइन भी बहुत कभी कभी बहुत रूढ़ीवादी हो जाती है। देखिए, वक्त वक्त होती है, लेकिन कोई जगह ऐसी होती है जहाँ हमको ऐसी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है। हमारे प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट जो थे, उस जमाने में वो यहूदी मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, और एक मुसलमान इस्लाम। अच्छा, मुझे बताइए जो 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 मौलाना जो कर रहे हैं इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? तो मौलाना बन के आते हैं, फतवा निकाल देते हैं, इस्लाम से बाहर कर देते हैं, बाकी जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, समझदार लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए इन मौलानाओं के बारे में? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई मुल्क का माहौल अच्छा नहीं है, ऐसी चीज में ज्यादा इस पे बयानबाजी मत कीजिए, और क्या कहा जाए जी। और उसके खिलाफ क्या करना चाहिए, उनको समझा देना चाहिए भाई आजकल जो है ये माहौल खराब करें तो इनको माफ कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सजा क्यों देनी चाहिए इनसे जवाबदेही क्यों नहीं पूछनी चाहिए, क्यों ये और माहौल में देंगे? ब्रिगेड के लोग रोजाना खड़े होकर के कुरान शरीफ के बारे में कैसी कैसी बातें, एक औरत कर रही थी भगवा कपड़े पहन करके, क्या क्या बातें करते हैं, सबको सजा मिलती है क्या? हाँ भाई, योगी जी कह रहे हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ से सुनिए, योगी जी कहते हैं जब तक इस मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह अकबर की जगह पर हर हर महादेव का नारा नहीं आएगा मैं चुप नहीं होऊंगा, तो ऐसी चीजें कहने वाले लोग हैं। अब बिल्कुल मुझे भागेंगे हम लोग, बिल्कुल मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो समाज का सौहार्द बिगाड़े उसको वाकई में मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी चीजों को स्वीकार समाज नहीं करता है और आपके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। कानून से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, सबसे पहले हिंदुस्तान, सबसे पहले भारत का संविधान। अबू आजमी साहब, रिजवान साहब, शुक्रिया, लेकिन शाइना आइन से आप रहिएगा मेरे साथ। दर्शकों को बता दूं, शाम को ठीक 7:57 पर इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा होगी, हम तो पूछेंगे में अटल के लिए प्रार्थना इस्लाम विरोधी कैसे, हैशटैग है फतवा या तमाशा। अगली खबर पे आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हैं। राहुल लगातार वहां से तस्वीरें साझा कर रहे हैं, आज तो उनका वीडियो भी एक सामने आया है खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसको बताया जा रहा है कि जारी किया गया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कैलाश मानसरोवर की पहाड़ियों का वीडियो भी ट्वीट किया और लिखा कि शिव तो पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल की तस्वीरें झूठी हैं, फेक है, मॉब्ड है। हेलो राहुल जी, ओम नमः शिवाय। वो फोटो फेक फोटो था, उनके चेहरे का तो छाया आ रहा है लेकिन छड़ी का चेहरा नहीं आ रहा, तो मैंने तो यही कहा कि ये फेक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी टोटल फेक पार्टी बन गई है और उसके नेता राहुल गांधी हैं जो पूरे बहुरूपिया की भूमिका में है। भाजपा को राहुल फोबिया हो गया है, पगला गए हैं। जिस दिन से वो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हैं तो उस भाजपाइयों को जबरदस्त दस्त लग गए हैं, बेचैन हैं। ये बताइए, क्या राहुल गांधी जी कैलाश की परिक्रमा पर हैं या नहीं है? वो मानसरोवर यात्रा पर हैं नहीं है? यदि नहीं है तो फिर प्रमाण दीजिए, और यदि हैं यात्रा पर तो फिर फेक कहाँ से फोटो हो सकती है? एक तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, इसीलिए 5 का प्रश्न है कि क्या राहुल गांधी के कैलाश मानसरोवर की यात्रा से बीजेपी डर गई है, जैसा कि हरीश रावत कह रहे थे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, शाइना आइन सी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अब कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहले शाइना आइन सी में आपसे जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी कैलाश की यात्रा पर है, वहां से फोटोग्राफ्स आ रही है, वीडियो आ रहे हैं, फिर क्यों आपके नेता ये कह रहे हैं कि ये फेक है? क्या बीजेपी डरी हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक विचारधारा है, सोच है और देश के लिए एक लक्ष्य। अभी राहुल गांधी को जो एहसास होता है 40 साल के बाद
कि वो लगातार एक कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं या कोई और धर्म स्थल, तो वो उनकी प्रतिक्रिया है कि वो क्यों जाते पर हैं। गिरिराज सिंह ने क्यों कहा? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं धर्म स्थल देश के लिए। राहुल गांधी कैलाश की यात्रा पर हैं, परेशान गिरिराज सिंह हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फेक है जबकि वीडियो दिखाई दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात। जी मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। पॉलिटिकल पोस्टरिंग के लिए जबकि इलेक्शन में सोमनाथ मंदिर जाएंगे, कर्नाटक का है तो आप गिरिराज सिंह में नहीं बोलेंगी ना, और फिर आप गिरिराज सिंह में नहीं बोलेंगी ना शायना, आप बाकी सब चीजें बोलेंगी। प्रेमचंद मिश्रा क्या पढ़ते हैं आप? प्रेमचंद मिश्रा शायना की रुख से क्या पढ़ते हैं आप? नहीं, ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी में, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस देश में हर व्यक्ति को इस बात की आजादी है कि अपने धर्म को माने, अपने ईश्वर की पूजा करे, आराधना करे। जी। अगर राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और गए हैं, इतनी बेचैनी बीजेपी को क्यों हो रही है? मैं समझता हूँ ये तो बहुत गलत आचरण है, भारतीय संस्कृति के विपरीत आचरण कर रही है लोग। किसी के धार्मिक यात्रा पर, किसी के पूजा पाठ पर व्यवधान खड़ा करना, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को ईश्वरीय कृपा नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी की इस मानसरोवर यात्रा ने बेचैनी दोनों तरफ बढ़ा दी है, दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप जम के चल रहे हैं।